हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हथेली जो है इनकी काफ़ी स्क्वायरिश है, काफ़ी मेहनती नेचर इनकी रहने वाली है। और अगर हम बात करें फिंगर्स के साइज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, थोड़ी शॉर्ट साइज्ड फिंगर्स यहाँ पर इनकी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर रहने वाली है। कोई भी डिसीज़न बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए बिना ही यह ले लेते होंगे, और थोड़ा जल्दबाजी के कारण कई बार इनको लॉस का सामना भी करना पड़ता होगा। थिकनेस काफ़ी अच्छी है फिंगर्स की, और यहाँ पर जो गैप नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, जो इनकी फिंगर्स के बीच में गैप है, ख़ास तौर पर यहाँ अपोलो और कनिष्ठा फिंगर के बीच में जो गैप है, और यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप नज़र आ रहा है, यह शो करता है इनकी ज़िद्दी नेचर को। थोड़ा सा स्वभाव ज़िद्दी रहेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबल नेचर भी रहेगी, और थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर भी इनकी रह सकती है इसकी वजह से। तो इंडिपेंडेंटली ये अपने डिसीजंस लेते होंगे, और तकरीबन बचपन से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना और बिना किसी और की जो राय है उसके ऊपर सोचे या एनालिसिस किए खुद के डिसीजन लेने की इनकी नेचर रह सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम लेंथ की बात करें, तो जो इनकी फिंगर है यहाँ पर कनिष्ठा फिंगर यानी कि सबसे छोटी उंगली जो है, वह काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहने वाले हैं। और जो इनकी बाकी की फिंगर्स हैं जैसे तर्जनी और अपोलो, इनकी लेंथ जो है लगभग इक्वल होते हुए दिखाई दे रही है। तो अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी। और यहाँ पर जो इनकी फिंगर है, तर्जनी फिंगर है, इसकी जो लेंथ है अच्छी लेंथ है, शॉर्ट नहीं है फिंगर। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। सैटर्न की फिंगर काफ़ी स्ट्रांग है, एनर्जी और स्टैमिना रहेगा, और काफ़ी मेहनती नेचर भी इनकी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं एक लाइन ड्रॉ करके इनकी फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है, जिसमें तकरीबन सारे माउंट्स हाई सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ हल्का सा झुकाव जो है वो मर्करी माउंट में, लेकिन फिर भी मर्करी माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल पा रही है। थोड़ी शाइनेस रह सकती है, अदरवाइज मर्करी माउंट यहाँ पर स्ट्रांग है। आपको थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी माउंट को काफ़ी सीधी लाइनें इसके ऊपर नज़र आ रही होंगी। ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो इन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा खड़ी लाइनें इस माउंट के ऊपर होना इस माउंट को काफ़ी पॉजिटिव कर देती हैं। तो काफ़ी खड़ी रेखाएं हैं, हीलिंग कैपेसिटीज़ व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथ पर खड़ी रेखाएं यहाँ पर हों मेडिकल फील्ड में भी देखे गए हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स हो गए या किसी न किसी तरह से हीलिंग के साथ या सोशल वर्क से जुड़े होते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ पे ऐसी लाइंस होती हैं, काफ़ी सिंपैथेटिक नेचर होती है, और इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही सूदिंग होती है। यानी यह अपने शब्दों से भी दूसरों का जो दुख दूर कर सकते हैं, कुछ ऐसी नेचर और ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रांग है इनका मर्करी, थोड़ी शाइनेस रह सकती है लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, और अगर यह बिजनेस करते हैं तो उसमें भी इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आगे चेक करते हैं सूर्य माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर को हमने पहले देखा था, काफ़ी अच्छी जो साइज़ है सूर्य फिंगर का, जिसकी वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी। यहाँ पर सूर्य लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है, जो नेम एंड फेम व्यक्ति को देती हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस साइज़ की सूर्य लाइन, लेकिन साथ में कुछ और लाइन्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है।
एक सही रास्ता चूज करने में, क्योंकि यहाँ से दो से तीन लाइंस हैं जो व्यक्ति को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं कि कौन सी कला यानी कौन सी आर्ट का उनको यूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारी मल्टीपल क्वालिटीज व्यक्ति के अंदर होती हैं जिनके यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस हों, और ऐसे व्यक्ति लगभग चेंज करते रहते हैं अपनी इन क्वालिटीज़ को, अपने शौक जो होते हैं इनके, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है उनमें चेंजेस भी आती रहती हैं। तो यहाँ पर सूर्य मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओल्ड एज में चलकर इनको काफ़ी नेम एंड फेम भी मिलेगा। और अगला माउंट जो है सैटर्न का, अब यहाँ पर देख सकते हैं सैटर्न माउंट यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल रहने वाली है। बहुत ज़्यादा स्मूथ सैटर्न लाइन नहीं आ रही, क्योंकि सैटर्न लाइन जो होती है वह कंफर्ट की लाइन होती है, इसीलिए इसको फेट लाइन भी कहा जाता है। और जिनके हाथों में सैटर्न लाइन होती है ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबली सब कुछ अचीव कर पाते हैं, लेकिन अगर सैटर्न लाइन ना हो तो स्ट्रगल रहती है लाइफ में, लेकिन अचीवमेंट्स तो उनको भी बहुत मिलती हैं जिनके हाथ में सैटर्न लाइन ना हो, लेकिन स्ट्रगल के बाद। तो यहाँ थोड़ी स्ट्रगल इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर जो इनकी इनका माउंट है बृहस्पति, तो आप देख सकते हैं यह बृहस्पति माउंट काफ़ी स्ट्रांग है, उभरा हुआ माउंट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सिंपथी की लाइंस भी हैं यहाँ पर, सिंपथेटिक नेचर रहेगी, और यहाँ लाइफ की लाइन से ऊपर की तरफ उड़ने वाली काफ़ी सारी लाइंस को आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइंस नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ उड़ती हुई, जो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिलवाएंगी लाइफ में। और बाकी की जो इंडिकेशंस हैं हमें पर्टिकुलर लाइंस से पता चलेंगी। तो चलिए आगे लाइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेन लाइंस जो मेजर लाइंस हैं वो इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो चलिए सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व के साथ और बिल्कुल ऊपर तक मुड़ती हुई, और लगभग यहाँ पर बृहस्पति माउंट को टच करती हुई हार्ट की लाइन मैं देख पा रहा हूँ। तो आदर्शवादी नेचर रहती है, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन को, थोड़ी इमोशनल नेचर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा कर्व है और कुछ ब्रांचेस जो हैं यहाँ से निकलना हार्ट की लाइन से व्यक्ति को इमोशनल भी बनाता है। तो यहाँ पर कुछ इमोशनल नेचर इनकी रहने वाली है, और साथ ही साथ जो लाइन है इसका कर्व इनको काफ़ी एक तरह से ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी बना रहा है। तो हार्ट की लाइन जो है बहुत ज़्यादा, इसको मैं फाइन नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी हल्की ब्रांचेस यहाँ पर इनकी लाइंस पे देखने को मिल रही हैं, जो लाइफ में एक तरह से इमोशनल हलचल पैदा कर सकती हैं इनकी लाइफ में। यहाँ पर काफ़ी सारी जो हल्की हल्की ब्रांचेस या यव से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पर रहेगी लाइफ में। इसी तरह से हम आगे चेक करते हैं माइंड की लाइन को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले माइंड की लाइन की पोजिशन हम देखते हैं, कुछ इस तरह से इनकी दोनों लाइंस चल रही हैं, लाइफ की लाइन और माइंड की लाइन, दोनों के बीच में बड़ा गैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से रेबेलियन नेचर रहती है, एक बचपन से ही ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी नेचर भी इनकी रहती है, क्योंकि अपनी लाइफ के सारे बड़े फैसले ये लोग खुद करते हैं जिनकी दोनों लाइंस में गैप हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, डिसीजन मेकिंग जो है ये खुद की है इनकी, कोई भी काम है, कोई भी बड़ा फैसला लेना है उसके लिए खुद डिसीजन लेते हैं, किसी से भी राय वगैरह नहीं करते, और थोड़ी जल्दबाज नेचर भी रहेगी, क्योंकि फिंगर्स का साइज यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट है, ज़्यादा एनालिसिस करना इनको पसंद नहीं रहता। तो लेकिन यहाँ पर लाइन जो है इनकी माइंड की काफ़ी लंबी है, शार्प माइंड रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी इनकी जो लाइन है बहुत ज़्यादा क्लियर और सीधी लाइन नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस इस लाइन में, और लाइन थोड़ी सी यहाँ पर डीप हो रही है, और काफ़ी सारी ब्रांचेस के साथ चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर शो करता है सेटबैक्स को। लाइफ में कई बार सेटबैक्स मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि जो लाइन है थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। बहुत क्लियर सीधी लाइन हो तो व्यक्ति का माइंड बहुत स्ट्रेट होता है और बहुत कम तनाव होता है, लेकिन जब लाइन में थोड़ी सी ब्रांचेज हों तो थोड़ा सा मानसिक तनाव तो रहता है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन से भी नज़र नहीं आ रही है, शार्प माइंड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
सिमिलरली यहाँ पर आप लाइफ लाइन को भी देखें अगर, तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस नज़र आएंगी, और लगभग जो मिडिल एज है लगभग 45-50 की एज तक लाइन जो है यहाँ पर स्ट्रगल को शो कर रही है। आप यहाँ से यहाँ तक देखें और उसके आगे की जो लाइन है वह काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ तक कि एज में काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी सारी लाइन जिस तरह से काटती हुई नज़र आ रही है, जिनको स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रगल के साथ साथ स्ट्रेस भी लाइफ में रहने वाला है। लेकिन आगे चलकर जो 50-45 से बाद की एज है उसमें लाइन काफ़ी स्मूथ हो रही है, और यहाँ पर बाहर की तरफ निकलती हुई लाइनें इनको फॉरेन ट्रैवल्स करवा सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा घर से दूर रहने के चांसेस हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइंस बाहर की तरफ चलती हुई, और जो लाइन है ये स्मूथ है आगे चलकर, शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है लेकिन आगे काफ़ी स्मूथ है। और जो ओवरऑल एज रहेगी इनकी 80 प्लस की एज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, 80 प्लस तक की लाइफ को यह इन्जॉय कर पाएंगे। फेट लाइन का इस तरफ से चलना, मून एरिया के ऊपर से चलना शो करता है, बाहरी सपोर्ट का मिलना, इवन फॉरेन से इनकम को भी यह रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रैवलिंग रहेगी, विदेश यात्राएं रहेंगी, लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लाइन जो है अच्छे कर्व के साथ है और स्ट्रांग पोर्शन जो लाइन का है वह वीनस की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर एक फिश जैसा सिंबल लाइफ की एंडिंग में बनना भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि विदेश यात्राएं काफ़ी रहती हैं और विदेश में स्टे भी काफ़ी लंबे समय तक यह कर सकते हैं। वीनस माउंट यहाँ पर अच्छा है, वीनस की तरफ से हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं, तो वीनस में मुझे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। लेकिन मून माउंट पे काफ़ी सारी लाइंस नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा मानसिक तनाव इनका यहाँ पर शो हो रहा है, थोड़ा सा माइंड जो है डिस्टर्ब रह सकता है मून की वजह से। मून के उपाय करने की मैं इनको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे के सारे सवालों के जवाब और सारे चिन्ह जो हैं हाथ में दिखाई देते हैं उनको एक ही वीडियो में डिस्क्राइब कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई ऐसा चिन्ह जो मैंने ना बताया हो तो उसके बारे में मुझे व्हाट्सएप पर बताएं, ताकि दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जवाब टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।